वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग ऑफ अमित सांखला पावर्ड बाय स्किल्ड यूथ गुरुकुल एंड द प्राइड ऑफ लायंस यूट्यूब चैनल्स। बेसिकली मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जितने भी इनोवेटिव इवेंट्स जयपुर में या आसपास में ऑर्गेनाइज होते हैं उनके लिए मैं व्लॉग्स बनाऊंगा, तो ये वैसा ही एक व्लॉग है। इसमें राजस्थान सरकार के DOIT डिपार्टमेंट ने 19 और 20 अगस्त को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम के अंदर राजस्थान डिजी फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था। ये उसका सीन है, उसका व्यू है और यहाँ रजिस्ट्रेशन ओपन है जो कि पहले ही वर्चुअल मोड में इलेक्ट्रॉनिक मोड में करवा लिए गए थे। यहाँ QR कोड या मोबाइल नंबर शो करने के बाद में जो किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। ग्लोबल स्केल and but you can also develop your homegrown technology using the base. We call them Bharat Stack. So that if you are using the Bharat Stack, that we have a mobile phone users 1.2 billion or even now with 5G coming in. Abhi recently last week 5G auction has been closed. So 5G will create a bigger opportunity for fintech entrepreneurs because now the speed is the इस इवेंट के अंदर कुछ कॉन्फ्रेंसेस जो कि स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और ऐसी ही जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होती हैं वो हुई थी। तो यहाँ एक रेड कारपेट एंट्री थी हम लोगों के लिए, ऑब्वियसली होती ही होगी। और यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस अभी रनिंग पोजीशन में थी। बेसिकली ये स्टार्टअप से रिलेटेड एक वर्कशॉप कह सकते हैं या इसे आप कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं वो होने वाली थी। यहाँ पर एक एक्सपर्ट जो सामने स्टेज पे है वो अपने एक्सपीरियंसेस जो अभी नए हैं उन अब व्लॉग होता है तो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी मैं और मेरा छोटा भाई जो है वो दोनों आपको दिख गए हैं। और ये जो हम सामने आपको कैनोपीज या पेवेलियंस या बूथ या कियोस्क या जो भी आप कहना चाहें इस स्पेस को, वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके होने वाले हैं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपनी अपना जो कार्य प्रणाली होती है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको समझाने के लिए डिजिटली मेंटेन किया था और उनके जो प्रतिनिधि थे उस विभाग के वो यहाँ उपस्थित थे। तो अभी आपके सामने वैसे ही ये जो बूथ्स हैं या ये जो सेटअप है अब स्क्रीन पर है। ये जो सामने अभी आपको वीडियो में विजिबल है बहुत ही अच्छा वीडियो रियलिटी था, VR था, AR था, AR VR रियलिटी था। इसके अंदर हम लोग वो जो पहाड़ पे से पैराशूट के साथ नीचे उतरते हैं वैसा कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था।
ये जो टावर आपको सामने दिखाई दे रहा है ये बहुत ही इनोवेटिव टावर था। बेसिकली मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा टावर देखा है। हॉलीवुड की मूवीज के अंदर या मूवीज जो न्यूयॉर्क में शूट होती है उनमें ऐसा टावर देखने को मिलता है। ये इवेंट इतना बड़ा था कि इसे लगभग 25,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया था 1920 अगस्त को। यहां पर कुछ स्टार्टअप्स ने अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डिस्प्ले भी किया था। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो कुछ स्टार्टअप्स हैं, उनके नाम भी शो हो रहे हैं और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी आप लोग देख सकते हैं। और बेसिकली ये प्रोडक्ट्स बहुत ही यूनिक थे और अच्छे थे और एक वो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन होता है, वैसा कुछ इनको देखने के बाद में मुझे वीडियो कैप्चर करते टाइम पे हो रहा था। अभी यहां पर आपको कुछ स्टार्टअप्स के जो एग्जीबिशंस हैं वो देखने को मिलेंगी। यहां पर बहुत ही इनोवेटिव जो एग्जीबिटर थे, इनोवेशन के साथ में, इनोवेटिव अप्रोच के साथ में, इनोवेटिव स्टार्टअप के साथ में अपना जो स्टार्टअप है उसको लॉन्च, उसको एग्जीबिट कर रहे थे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहां एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड और भी बहुत सारे थीम्स के ऊपर स्टार्टअप्स अपने एग्जीबिशंस के साथ में प्रेजेंट थे। ये टेक्नोलॉजी जो थी वो मुझे बहुत ही पसंद आई, क्योंकि अभी हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर वर्चुअल फेस टू फेस कॉलिंग कर सकते हैं, बट हॉलीवुड मूवीज के अंदर हमें एक ऐसा सिस्टम दिखाया जाता है जिसमें हमारा 3D प्रिज्म जो होता है वो सामने वाला जो होता है उसके सामने अपीयर होता है और हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो ये वैसा ही कुछ 3D वाला फ्रेम है जो कि यहाँ इन्होंने स्टार्टअप में लिया है। एक बना के दिखा देंगे छोटा सा सैंपल। यहाँ बच्चे और कुछ बड़े जो है वो कलर्स के साथ और मिट्टी के बने हुए बर्तनों के साथ में कुछ क्रिएटिव करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी जो एक्टिविटी कह सकते हैं यहाँ अवेलेबल थी। तो इस सत्र में अलग अलग विभागों से भी हमारे साथी आए, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, लेबर लाइन के बारे में बात हुई और भी योजनाओं के बारे में कि कैसे आईटी का प्रयोग। ये हम सबकी प्यारी दुलारी सोना 2.5 है, इसका नाम सोना 2.5 है। ये अपने पैरों पर चलकर दिखाएगी, अरे इसके तो टायर लगे हैं तो ये फिर भी चलकर दिखाएगी, देखिए जरा मूवमेंट इसमें। और बेसिकली ये जो है मेड इन इंडिया है और ये होटल्स में और हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए एक अच्छा प्रोटोटाइप रोबोट है सोना 2.5। इसके पीछे सोना 3.5 इसकी बड़ी बहन खड़ी है जो कि टैबलेट के साथ लैस है और इससे अपग्रेडेड है।
ये एक रोबोट है जो कि बहुत ही स्पेशल टास्क्स के लिए बनाया गया है। इसका यूज हम बॉम्ब डिटेक्शन एक्सेट्रा में कर सकते हैं और बहुत ही इनोवेटिव है ये। अब जो आपके सामने रोबोट है ये सोना 3.5 है। अभी जो रोबोट आपने देखा था इससे अपग्रेडेड है, ये सोना 2.5 है, वो पीछे वाली सोना 3.5 है। ये मिनी बुलडोजर है, अरे बहुत फेमस है बुलडोजर। ऑन ए कॉमिक नोट, ऑन ए ह्यूमरस नोट, ये एक रोबोट है रियल में और इसके भी कुछ स्पेशल टास्क होते हैं। ये कोई फॉग वाली मशीन है जो कि प्रिंट बनाती है फॉग के ऊपर, तो मैंने सोचा एक शूट कर लिया जाए। यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारा अधिकार अभी सर ने बताया, और जितनी सारी सूचनाएं अभी आज आपने यहाँ देखी है, चाहे हमारा जन पोर्टल हो या हमारा आरटीआई का पोर्टल हो या फिर हमारे आरटीआई से रिलेटेड कोई भी सूचना हो, ये सारी चीजों से रिलेटेड आप हमारे इस पेज को विजिट करें। हर डोम में एक नई इंफॉर्मेशन आपका इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो हमारे स्टार्टअप से रिलेटेड हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा डीजी पेज विजिट करें और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। ये ड्रोन है जिसको कैमोफ्लाज के अंदर प्रिंट किया है, ये आर्मी के लिए प्रॉफिटेबल ड्रोन हो सकता है। अभी वीडियो की स्क्रीन पे ड्रोन्स हैं और ये ड्रोन्स बेसिकली, ये वाला जो ड्रोन है वो कृषि से रिलेटेड है, खेती से रिलेटेड है। इसका यूज जो है वो खेतों के अंदर दवा का छिड़काव करने के लिए किया जा सकता है, तो ये भी इनोवेटिव थीम है। ये इमेज एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी है जिसमें लगता है कि ये हाथी जो है वो स्क्रीन से बाहर आने वाला है, तो ये भी इनोवेटिव थी, काफी इनोवेटिव थी, क्योंकि एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। ये मारेगा मारेगा, अब चलाएंगे चलाएंगे, आएगा आएगा आएगा, सब खबर हो गया, ये दोनों न्यूट्रल हो गए, ये आ गए। और इसी के साथ में ये ब्लॉग जो है वो ओवर हो गया, तो आप लोग जरूर बताइएगा ये ब्लॉग जो कि बहुत ही इनोवेटिव होने वाला है, आई थिंक मेरे को लगता है, कैसा है आपके लिए।